भारत अब विश्व में तेजी से बढ़ती इकोनॉमी की गिनती में बन गया है या बना हुआ है। तमाम वैश्विक एजेंसियों ने भी इस बात की सराहना की है, जिसमें IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसी कई बड़ी एजेंसियों के नाम शामिल है। जिस गति से भारत अब विकास के क्षेत्र में और तो और आर्थिक क्षेत्र यानी कि इकोनॉमी सेंटर में आगे बढ़ रहा है, उस लिस्ट में अब WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का नाम शामिल हो चुका है। जी हाँ, अब IMF और वर्ल्ड बैंक के बाद WEF भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। भारत की बढ़ती इकोनॉमी की खूब तारीफ कर रहा है। WEF चीफ का कहना है कि भारत आने वाले समय में 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। उनका कहना है कि 5 नहीं, लेकिन अब भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने जा रहा है। WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंडे ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, हमें लगता है कि हम कम से कम आने वाले 2 दशकों में भारत की 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर सकते हैं। मंदी यानी रिसेशन और भू राजनीतिक तनाव के अलावा कमजोर इन्वेस्टमेंट सर्किल के बीच भी भारत की ग्रोथ स्टोरी बरकरार और लगातार जारी रहेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की विकास दर यानी कि इंडियन GDP ग्रोथ रेट 8% रहेगा। उन्होंने इसराइल हमास युद्ध और लाल सागर पर मंडरा रहे संकट पर भी अपना बयान दिया और कहा, अगर हम लाल सागर को बंद कर देते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तथ्य यह है कि स्वेज नहर को हफ्तों के लिए बंद करने से भी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला यानी कि ग्लोबल सप्लाई चेन पर बुरा असर होगा, इसलिए बहुत कुछ दाव पर है। इस संकट के असर को हम जानते हैं, इसका तेल की कीमतों पर भारी प्रभाव पड़ता है। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों पर इसका असर दिखाई दे सकता है, जहां तेल की कीमतों में बढ़त दिखेगी और सीधा असर इकोनॉमी पर पड़ेगा। अब भारत की बढ़ती इकोनॉमी और बेहतर होती आर्थिक व्यवस्था को देख पड़ोसी मुल्क यानी कि चीन और पाकिस्तान हैरान भी हैं और परेशान भी। इनको अब मिर्ची लगना तो स्वाभाविक है, क्योंकि एक तरफ तो भारत ग्रोथ कर रहा है और पाकिस्तान हाथ में कटोरा लिए भीख मांगने की कगार पर आ गया है। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।